अच्छा देखिए, हम लोग मिथ्स की बात कर रहे थे। ये पाप मैंने भी किया है जो अगले मिथ की मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभार, अब तो नहीं करता हूँ, या आप किसी फैंसी से रेस्टोरेंट में होंगे, होटल में होंगे, एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन द वेटर इज देयर एंड आई हैव एग वाइट ऑमलेट, यू नो, तो ये वो जो पीला वाला हिस्सा है निकालने, और उसमें आपने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि नेचर ने उसको ऐसे ही प्रोड्यूस किया है तो कोई वजह होगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हमेशा यही लगता है कि मुर्गी को कितना बुरा लगता रहेगा कि अंडा भी ले लिया और पीला भी नहीं खाया, यू नो। तो अगर अंडा तो पीला और सफेद के साथ आता है तो दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी शुड ईट इट। लेकिन क्या है कि वापस लोगों को यही लगता है कि स्वाद तो पीले में से ही आ रहे हैं, तो अगर उसी को निकाल दे और अगर पूरा खाने को हम लोग रूखा सूखा बना दे तो हम पतले और अच्छे दिखने लगेंगे। पर अच्छा दिखने के लिए अच्छा खाना भी जरूरी है, तो अगर अंडा खाने ही वाले हो तो पूरा अंडा खाइए, नहीं तो उसे खाइए ही। अंडा खाइए, मूंगफली के दाने खाइए, शाम को 4 बजे से 6 बजे का वक्त सबसे क्रिटिकल है बकौल यस, विदिता। वेरी गुड वेरी गुड। आई वॉन्ट योर जॉब नाउ, यू सीम टू बी टेकिंग माइन। नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी लिखी बातों को दोहरा रहा हूँ जो मैंने जज्ब की हैं, सीखी हैं। थैंक यू थैंक यू, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपने बहुत पढ़ लिया है सारा कुछ, नो वंडर पीपल टेक योर रिकमेंडेशन सो सीरियसली, यू आर सो थरा, अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताइए, इसमें एक बड़ा दिलचस्प चीज है, आपने कई ऐसे फूड्स के बारे में, रेसिपीज के बारे में भी जिक्र किया है जो ट्रेडिशनल थी और वो खो रही हैं, ज्यादा लोग, कई लोगों को पता भी नहीं होता है, जैसे जैसे इसमें इसमें तो नहीं, इसमें कैथा जैसे हमारे यहाँ एक फल होता है उसकी चटनी बनती है, इसमें आपने करौंदे का जिक्र किया है और ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है। मैं ये जानना चाहता हूँ योर ट्रेड सीक्रेट कि ये सब चीजें आप तक कैसे पहुंचती हैं, मतलब आप यू ट्रेवल अलॉट, जैसे अभी आप ट्रैक करके आई हैं कुमायूं में, तो वहां की आपने एक रोटी का जिक्र किया और फिर उसको वेद व्यास से जोड़ा, फिर आपने जी कूटू के आटे की रोटी और उसके फायदे, इन सब का जिक्र किया, तो ये ट्रेवल होता है, लोग आप तक कहानियां भी पहुंचाते हैं क्योंकि आपने एक बड़ा शानदार वो 12 वीक एक्सपेरिमेंट भी किया, तो कैसे जी पहुंचते हैं ये सारी चीजें आप तक? आपने लिखा भी कि एक आपके क्लाइंट थे, वो लेके आए एक किस्म का अनाज, उन्होंने बताया कि गुजरात में चूंकि अब लागत नहीं निकलती है तो ये कम होता है, पर वो बड़ा कमाल का है आपने बताया। यस मुझ तक कैसे पहुंचती, आई थिंक एक तो मैं खाने पीने की शौकीन हूँ और उसमें रुचि रखती हूँ, और कोई भी अगर मुझे खाने पीने के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं और या किसी भी चीज़ के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं तो मैं बहुत दिलचस्पी से उसे सुनती हूँ। आई थिंक दैट्स हाउ ये सारा इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुँचता है। आई थिंक हमारे यहाँ पर ये माना भी जाता है ना कि श्रवणम मननम निधिध्यास, के जो भी एक्चुअली हमें जानने की जरूरत है वो सारा कुछ हमारे कानों तक आता ही है, बस यही है कि उसे मन में उतार के फिर अपने लाइफ में उतारने की ही बात हम कर सकते हैं। तो ट्रैवल के वजह से या मेरे काम का नेचर ही ऐसा है कि बहुत अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है, और फिर उनके दादी और नानी का विजडम सुनते सुनते ये सारे फूड्स के बारे में, ये इन फूड्स से परिचय हो जाता है, उनके कहानियों के बारे, उनकी कहानियां सुनने मिलती है, उनके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस भी सुनने मिलते हैं कि हम लोग ये प्रेगनेंसी में यूज करते हैं या इसे हम जॉन्डिस में यूज करते हैं या फिर इसे हम शुगर कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते करते हैं या गैस कम करने के लिए या बोन्स के लिए। तो वैसे ही फिर मेरी जानकारी बढ़ती है। UNFAO जो है, यूएन का फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये सारे फूड्स के लिए एक स्पेसिफिक नाम भी दिया है, इसे NUS माना जाता है, निग्लेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड स्पीशीज। मतलब ये ऐसी स्पीशीज होती है जिनमें बहुत सारा बेनिफिट रहता है लेकिन ये फॉर वॉट एवर रीजन करंटली निग्लेक्टेड रहते हैं, तो यूएन ट्राइज टू हाईलाइट देम, ब्रिंग स्पॉटलाइट ऑन देम। और ये 2021 ईयर जो है, ये UNFAO ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ईयर डिक्लेयर किया है, क्योंकि मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो आपने भी अभी देखा होगा पैंडेमिक के दौरान, विटामिन सी की टैबलेट्स खत्म हो गई केमिस्ट के पास, जिंक की टैबलेट खत्म हो गई, विटामिन डी की टैबलेट्स खत्म हो गई, लेकिन UNFAO यही एक मैसेज सब तक पहुंचाना चाहता है कि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स आप केमिस्ट के पास ढूंढ रहे हो ये एक्चुअली नेचर में बहुत हेल्पफुल
है, बस आपको आपके रीजन के अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चालू कर दो रेगुलर बेसिस पर, तो आपको ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे। लेकिन सौरभ जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने बुक में भी लिखी हुई है, कि वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है कि जितने भी फॉर्मर कॉलोनीज हैं, जैसे इंडिया वॉज फॉर्मर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन, तो जितने भी फॉर्मर कॉलोनीज हैं या जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, हम खुद को डेवलपिंग इकोनॉमी मानते हैं, तो यहाँ के डेवलपिंग इकोनॉमीज के जो अफ्लुएंट लोग होते हैं या जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो वहाँ के खाने को, या मतलब वहाँ का जो लोकल प्रोड्यूस है या वहाँ का जो रहने सहने की जो पद्धति है, उसके साथ बहुत पुअर प्रेस्टीज अटैच कर देते हैं। तो वो ये मानते हैं कि अभी तो मैं अमीर हो गया, तो अभी मुझे रेगुलर चाय नहीं पीनी चाहिए, अभी मुझे ग्रीन टी पीनी चाहिए, अभी मुझे चावल नहीं खाना चाहिए, राजमा चावल नहीं खाना चाहिए, अभी मुझे कीनवा खाना चाहिए, अभी मुझे मक्खन और पराठा नहीं खाना चाहिए, अभी मुझे एवोकाडो ऑन टोस्ट खाना चाहिए। और इस बिहेवियर के वजह से बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज फैलती है, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बी12 की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, और फिर उसके वजह से ज्यादा हंगर इश्यूज भी बढ़ते हैं, इकोलॉजिकल इश्यूज भी बढ़ते हैं। तो ये बिहेवियरल पैटर्न मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और आई थिंक हम सब इसे ऑब्जर्व तो करते ही है हमारे सोसाइटी में। बिल्कुल,